स्क्रीन दिख रहा है? देखो लास्ट टाइम राउल्स लॉ पढ़ाए थे, ठीक है, और उसी को हम देखेंगे आज। लास्ट क्लास में हमने राउल्स लॉ का इक्वेशन देखा था कि इक्वेशन कैसे डिराइव किया था और पार्शियल वेपर प्रेशर्स कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये सभी इक्वेशन हमने देखा था लास्ट क्लास में। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, हम उसको देखेंगे, ठीक है। ये कहता क्या है, इसके कंक्लूजन क्या क्या है, ठीक है। हम मेनली कंक्लूजन देख रहे हैं। आपको एग्जाम में ये कंक्लूजन्स लिखना नहीं है, ठीक है। ये कंक्लूजन्स हमारे समझने के लिए होता है, इक्वेशन न्यूमेरिकल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए। तो कहता क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक। हमारे पास जो सॉल्यूशन था हमारा, उस सॉल्यूशन के ऊपर में यहाँ जो भी हमको वेपर दिख रहा था, तो हम किसी भी एक कंपोनेंट को उठा सकते हैं, कोई भी एक कंपोनेंट, और वेपर प्रेशर उसके टर्म में हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने जो इक्वेशन देखा है वो किसके टर्म में देखा है, वो देखा है हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म, ठीक। तो हमारा वेपर प्रेशर है किसके टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म। तो चाहे हम सॉल्वेंट का उठा ले मोल फ्रैक्शन, चाहे तो हम सॉल्यूट का उठा ले, किसी के टर्म में भी दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर टू, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है। लीनियरली वेरीज करने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे इसका यहाँ पे वेपर्स क्रिएट होता जाएगा, वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि इस जगह पे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता जाएगा, किसका, तो सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हम कह सकते हैं, जो हमारा ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा जाएगा, तो एक लीनियर ग्राफ जाएगा, कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होना चाहिए, किस, ठीक। देन पॉइंट नंबर थ्री, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स वन एंड टू, प्योर कंपोनेंट कब, जब दोनों अलग अलग है, मतलब तो हमने दो वेसल लिया था, एक में हमने सॉल्यूट को रखा था और एक में हमने किसको रखा था, सॉल्वेंट को रखा था। तो जब इसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं प्योर कंपोनेंट, ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स वन एंड टू, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन आइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ आइदर कंपोनेंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर चाहे तो घटेगा चाहे तो बढ़ेगा, दोनों कंडीशन है हमारे पास। हमने जब इन दोनों को मिक्स करके हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन बना के हम क्या देखे थे कि सॉल्यूशन बनाने के बाद इसका वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो होगा क्या, अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बॉन्डिंग बताया था, इसको मैं, हमारे पास क्या क्या है, देखो सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट कहता क्या है कि अगर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है किसी भी कंपोनेंट का, ठीक,
तो जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, आइदर डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, दोनों कंडीशन है हमारे पास। ऐसा नहीं कोई एक ही कंडीशन होगा, दो कंडीशंस अराइज हो सकते हैं। तो एक चाहे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, चाहे तो वेपर प्रेशर घटेगा। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो ये डिपेंड करता है बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। बॉन्डिंग किसका किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब बॉन्डिंग दो तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग और एक हो सकता है लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब ऊपर वाले से थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, ठीक। अगर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वेपर कम बनेगा, लेस वेपर। अगर बॉन्डिंग थोड़ा कमजोर है तो वेपर ज्यादा बनेगा, मतलब मोर वेपर, ठीक है। देखो ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो वेपर कम क्रिएट होगा, क्योंकि हमको वेपर ज्यादा बनाने के लिए हीट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। अगर हीट ज्यादा देना पड़ रहा है मतलब हमारा लॉस ज्यादा है उस कंडीशन में। उसी जगह पे अगर मेरा बॉन्डिंग थोड़ा वीक है, लेस स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई करेंगे और मेरा क्या होगा, तो वेपर बहुत ज्यादा क्रिएट होने लग जाएगा। तो यही दो कंडीशंस अराइज होते हैं, और उसी की वजह से कहा जाता है कि अगर मोल फ्रैक्शन किसी का भी बढ़ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। चाहे तो वो इंक्रीज कर सकता है, चाहे तो वो डिक्रीज कर सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है आइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, ठीक है। देन अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है हमारे पास, ठीक। अब इस ग्राफ को हम समझते हैं, ग्राफ क्या है। देखिए मेरे पास क्या है, सल्यूशन, ठीक है। अभी वापस से हम सभी चीजों को वापस से बनाएंगे। जैसे हमने क्या लिया था, प्योर सॉल्यूट लिया था हमने, ठीक है, प्योर हमने सॉल्यूट लिया था और हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था। ठीक है, अब आप देखो प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, P1 नॉट और P2 नॉट, ठीक। उसके बाद X1 और X2 दोनों मोल फ्रैक्शंस आपको यहाँ दिया गया है, एक एक करके सब ज्वाइन करता है, ठीक। देखिए ये जो ग्राफ है, आपको वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का है, ठीक। दोनों ग्राफ दो, देखो दो साइड आपको वेपर प्रेशर दिख रहा है, एक तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी है और आपका राइट हैंड साइड भी है। ये ग्राफ जनरली इसी तरीके से बनाया जाता है, दोनों चीजों वाई एक्सिस दो डायरेक्शन में खींचा जाता है और एक्स एक्सिस आपका सिंगल डायरेक्शन में, आप कह सकते हो, ठीक। तो P1 नॉट P2 नॉट हमारा प्योर चीज को दिखाएगा, प्योर का वे प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिखाएगा। और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है जो P1 नॉट और P2 नॉट को ज्वाइन करता है, ये हमको दिखाता है क्या, ये हमको वेपर प्रेशर दिखाता है सॉल्यूशन का, ठीक है। उसके बाद ये वेपर प्रेशर हमको दिखाता है, ठीक है, ये हमारा वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर आप कह लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पार्शियल लिख दे रहा हूँ, ये भी हमारा पार्शियल है, कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 1 का दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर ऐसे हम डिनोट करते हैं। अब देखिए मोल फ्रैक्शन में हम डील कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन जब हम सॉल्यूशन को हीट नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान से सुनो, जब हम सॉल्यूशन को हीट नहीं कर रहे तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन चाहे 1 का हो चाहे तो 2 का हो, ये दोनों कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। 1 और 2 दोनों का 0 होना चाहिए, कब, जब हम हीट नहीं कर रहे सॉल्यूशन को, कोई भी वेपर क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि X1 का अगर मोल है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ की ओर जा रहा है, तो हम कहेंगे क्या, 100% की ओर जा रहा है। उसी तरीके से X2 जो है वो कहाँ की ओर जा रहा है, 0 से हमारा 100%
100% की ओर जा रहा है, ठीक। इसीलिए जो वैल्यू है मोल का वो 1 लिया जाता है, या यू कहे तो 100% मिक्सिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो फेज होगा वो फेज क्या हो जाएगा, 1 के टर्म में लिखे, ठीक। तो अब देखो इस जगह पे इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ को ढंग से समझिए, क्योंकि ग्राफ एग्जाम में आपको बनाना है। राउल्स लॉ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सॉल्यूशन चैप्टर का, और कंपलसरी देता ही देता है ये टॉपिक बोर्ड्स में, ठीक है। अब देखिए जब हम मोल फ्रैक्शन x1 का कंसिडर करते हैं, तो x1 यहाँ पे कितना है, 0, मतलब यहाँ से x1 स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस जगह पे हम कह सकते हैं कि इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ये कितना है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। जैसे जैसे x1 का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, x1 का मोल फ्रैक्शन इधर से इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, जिधर मैंने एरो दिया है उधर, ठीक। एक सेकंड, ठीक है, जिधर इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ हमारा मोल फ्रैक्शन x1 का बढ़ रहा है, और x2 का जो मोल फ्रैक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे मेरा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, ठीक। तो x1 को अगर हम कंसिडर करें तो x1 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो x1 का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो मेरा जो पार्शियल वेपर प्रेशर है x1 का वो इस तरीके से इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। उसी के बाद अगर हम x2 की बात करें तो जैसे जैसे मेरा x2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा x2 का पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में जो P1 नॉट का जो पॉइंट है और जो P2 नॉट का पॉइंट है इन दोनों को हम मैच करेंगे, ठीक। अब एक चीज देखिए, ये जो राउल्ट्स लॉ है ये किसको डील करता है, ये समझाता है आइडियल सॉल्यूशंस को, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया गया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस या आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। कुछ ना कुछ आइडियलिटी से फर्क हमको देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमको क्या बतलाता है, तो ये हमको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन देता है, ठीक है। ये हमको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दे रहा है किसका, तो थ्योरेटिकल प्रेशर हम कह सकते हैं, थ्योरेटिकल आप प्रेशर कह लो, ठीक है। टोटल प्रेशर जो हम यहाँ लिखते हैं पी टोटल, ये हमारा क्या है, तो ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, प्रैक्टिकली ये हमको कर्व देखने को मिलेगा, तो उसको हम आगे देखेंगे, ठीक। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, बट आइडियल सॉल्यूशंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर है ग्राफ यहां तक, ग्राफ यहां तक क्लियर है, ग्राफ क्लियर है सबको, ठीक है। देखो नोट्स में ग्राफ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ का ही आपको सारा उतारना हो। और जो लोग बोर्ड के लिए, सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बोर्ड्स के लिए अलग सा नोट्स दे दूंगा जो सिर्फ बोर्ड के लिए यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। देखो इधर आपका वेपर प्रेशर P टोटल P1 प्लस P2, तो P1 यहाँ है P2 यहाँ है, उन दोनों को टोटल करेंगे, ये हमको थ्योरेटिकल वैल्यू दे देगा। X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए
सेम चीज है, ठीक है, सेम है। हमने वहां पे क्या देखा था, हमारा जो ग्राफ था वो इस तरीके से नीचे की ओर दिख रहा था, ठीक है। मतलब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर फर्स्ट वाले ग्राफ में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम था, और यहाँ वाले ग्राफ में क्या है, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, ठीक है, प्योर फॉर्म का आपका सॉल्वेंट से ज्यादा है, ठीक है। बाकी ग्राफ्स वैसे ही पढ़ना है सारा चीज। द डॉटेड लाइंस 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। द थिक लाइन कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पी टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू P2 नॉट, ठीक है। कर्व जब P1 नॉट ग्रेटर देन होगा P2 नॉट से, ठीक है। मतलब प्योर फॉर्म का जब वेपर प्रेशर हमारा सॉल्वेंट का सॉल्यूट से कम होगा, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अगर हम मिनिमम वैल्यू लेंगे तो सॉल्वेंट के ऊपर, और मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो सॉल्यूट के ऊपर। तो इस पॉइंट को मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूजिंग द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर PI इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन XI इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर वेपर और सॉल्यूशन फेज का इक्विलिब्रियम हो गया है, तो जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, जितने भी मोल्स होंगे वेपर के और जो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा उसके बराबर होना चाहिए। PI इज इक्वल टू XI इंटू P क्या है हमारा, टोटल प्रेशर। देखो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में आता है। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विथ द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। अभी देखो एक चीज, हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, राउल्ट्स लॉ में बार बार डाल्टन्स लॉ का यूज किया जा रहा है। तो डाल्टन ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो हमारा लिक्विड फेज, ठीक है, एक हमारा लिक्विड फेज, दिस इज लिक्विड फेज, और एक हमारा वेपर फेज, ठीक है, लिक्विड और वेपर फेज। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम होगा मतलब कहते हैं, कह सकते हैं कि दोनों साइड से हमको प्रेशर सेम देखने को मिल रहा है। तो डाल्टन ने क्या कहा कि अगर Y1 और Y2 मोल फ्रैक्शंस हो किसका, कंपोनेंट्स 1 एंड 2 का, किसमें, वेपर फेज में, ठीक। मतलब जो वेपर फेज है यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, तो दोनों का कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसे हम Y2 नाम दे देंगे, और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसे हम Y1 नाम दे देंगे। लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हम कैसे देते थे, एक्स से लिखते थे अभी तक, ठीक है, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। हम इसको राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हमने इसको अभी तक तो कुछ नहीं कहा था, ठीक है। या यू कह सकते हैं कि जितना यहाँ से मोल्स निकला है, जितना लिक्विड फेज से वेपर फेज में गया, उसको हम X1 और X2 के टर्म में देते थे, ठीक, किसके हिसाब से, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। तो डाल्टन के हिसाब से इसने क्या दिया, इसने Y के टर्म में दिया है, Y1 और Y2। तो इन्होंने क्या कहा कि वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर फेज इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये डाल्टन्स लॉ के द्वारा दिया गया है, ठीक। तो देखो वेपर राउल्ट्स और डाल्टन का फर्क क्या है, राउल्ट्स ने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज के बारे में समझाया था कि लिक्विड का जो वेपर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन।
अभी इन्होंने वैसी चीज को उल्टा आप कह सकते हो दूसरे तरफ से कान पकड़ा और इस तरीके से फॉर्मूला लिख के हमको थमा दिया। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन इनटू टोटल प्रेशर। अगर इसी को हम कंपोनेंट टू में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे पी टू इज इक्वल्स टू वाई टू इंटू पी टोटल। ठीक है, तो घुमा फिरा के हमारे पास वही चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। उसके बाद ठीक है, पी टू इज इक्वल्स टू वाई टू इंटू पी टोटल। देन राउल्ट्स लॉ ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अभी मैंने आपको कहा था कि जो वेपर प्रेशर का स्टडी स्टार्ट हुआ था दैट वाज गिवन बाय हेनरी। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ जो कॉन्सेप्ट कहा वो कॉन्सेप्ट हेनरी के कॉन्सेप्ट से मिलता है, इसीलिए इसको एक स्पेशल केस कहा जाता है कि जो राउल्ट्स का लॉ है वो हेनरी के लॉ का एक स्पेशल केस है। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी हेनरीज लॉ पढ़ा रखा है, पी इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। जो के एच का के एच है ये इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनैलिटी साइन के लिए आता है, इसीलिए इसे के एच कहा है, एच इज फॉर हेनरी। ठीक, डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए या डिफरेंट लिक्विड्स के लिए के एच का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, के एच इज हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? ए बी सी एंड डी हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर, फ्लो ऑफ एयर करेंट ओवर द सरफेस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि बॉन्डिंग कैसा है लिक्विड्स का उसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करेगा, मतलब वेपर बनेगा। कितना सरफेस एरिया उसका फ्री है इवेपोरेशन के लिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी देखो सेकेंड वाला जो पॉइंट है ये हम राउल्ट्स लॉ के सेकंड टॉपिक में हमको समझ में आ जाएगा कि ये सरफेस एरिया कह क्या रहा है। देन तीसरा हमारा टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना हमारा इवेपोरेशन होगा। फिर फ्लो ऑफ एयर करंट ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर कितना हवा चल रहा है, हवा उसके ऊपर मौजूद है वो भी डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि चारों यहाँ पे ऑप्शन सही है। देन नेक्स्ट टॉपिक राउल्ट्स लॉ पार्ट। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, सॉल्व कीजिए फटाफट। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है, तब तक इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। कहता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर 200 mm एंड 415 mm ऑफ Hg respectively। ठीक है, आपके पास दो चीजें हैं, एक आपको क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है और एक में आपको डाइक्लोरो दिया हुआ है। ठीक, इसका प्रेशर है 200 mm और इसका प्रेशर है 415 mm। ठीक है, कब, जब 298 केल्विन हम रखते हैं तब। ठीक है, अब कहता क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन
prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin. तो यहाँ पे ये जो दोनों प्रेशर हैं, ये दोनों प्रेशर आपके कौन से प्रेशर हो गए, तो पी नॉट वाले प्रेशर हो गए, मतलब प्योर फॉर्म वाले प्रेशर हो गए, ठीक है। ये हमारा प्योर फॉर्म का प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, तो इस जगह पे आप देखिए ज्यादा क्वांटिटी में क्या दिया है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन आपको 40 ग्राम दे रखा है, तो 40 ग्राम यहाँ दे रखा है, ये आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक। और 25.5 ग्राम हो जाएगा ये आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, वीपी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपको निकालना है पी टोटल। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए और बताइए। बन जाए तो अपना अपना आंसर सबमिट कीजिए।
देखो जिनको दिक्कत हो रहा है बनाने में, मैं एक चीज आपको दिखा दूं। पी वन निकालिए पहले। पी वन कैसे निकलेगा? तो पी वन नॉट एक्स वन, पी टू निकालिए उसके बाद। पी टू कैसे निकलेगा? पी टू नॉट इंटू एक्स टू। एक्स वन क्या है आपके पास? मोल फ्रैक्शन है। एक्स टू क्या है? ये भी मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन किस में दिया जाता है? नंबर ऑफ मोल्स में। तो एन वन और एन टू के टर्म में आपको निकालना है, ठीक है? तो सॉल्यूट जो है इसको आप टू मानेंगे और जो सॉल्वेंट है इसको आप वन मानेंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, ठीक है? तो एन वन हमने किसको माना है? सॉल्वेंट को। इसका वेट कितना दिया है? 40 ग्राम, ठीक? अब मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे किससे? तो CH2Cl2 से, ठीक है? मॉलिक्यूल है उसका वेट निकालेंगे, और इसका वेट दिया है 25.5 ग्राम, ठीक? तो यहाँ से ये वेट हो गया, और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट पुट करेंगे सॉल्यूट का, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, ठीक है? अब नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से, ठीक है? नंबर और उसका मोल फ्रैक्शन हमको मिल गया, मोल फ्रैक्शन मिल गया इस जगह। तो हम क्या करेंगे उसके बाद? पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे, मतलब पी वन निकालेंगे और पी टू निकालेंगे। जब पी वन पी टू निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? पी टोटल निकाल लेंगे, ठीक है? इनको जिनको अभी तक क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, यहाँ से आप देख के बना सकते हैं। ठीक